नंबर के कुछ और की पॉइंट, Z1 प्लस Z2 हमेशा इक्वल हो जाएगा Z2 प्लस Z1 के, यानी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी कहोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है, लेकिन क्या Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z1 क्या होगा? हरगिज नहीं। क्या Z1 और Z2 की प्रोडक्ट Z2 Z1 होगी? जी हाँ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट क्या होता है, कल मैंने बताया था, दोबारा बता दूंगा। मतलब अगर देखो रियल पार्ट हो ही रहे, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। सो ये मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ बड़े अहम थ्योरेटिकल रिजल्ट है। ये चैप्टर है ऐसा जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत सारे हैं। जेड अगर 1 + a + b आयोटा है तो 1/z यानी मल्टीप्लिकेटिव, ये बात कल मैंने बताई थी, इनवर्स। a/a² + b² -b/a² + b² के बराबर होगा। और अगर z 1 + iota / 1 - iota, ये भी कुछ देर पहले बताया था, तो जेड मॉडुलस 1 के इक्वल हो जाता है बेसिकली। तो देखो जेड i के बराबर आएगा आयोटा के, और ज़ाहिर है अगर जेड आयोटा के बराबर होगा तो मॉडुलस 1 के बराबर होगा। अब एक बार एक सवाल आया था कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + iota दिया था और आर्गूमेंट जेड पूछा था। आर्गूमेंट बराबर होता है r sys थीटा। अब r कैसे निकलेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी मॉडुलस। हाँ जी, रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर ले लें, इमेजिनरी आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1² + 1² √2, ये हो जाएगा r, √2 हो गया। अब थीटा कैसे आएगा? तो थीटा आएगा tan इनवर्स y/x। हाँ जी, y क्या है? आयोटा का कोफिशिएंट। x क्या है? रियल नंबर। तो आयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, रियल का भी 1 है, 1/1 कैंसिल होता है, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों? π/4। सो थीटा आ गया π/4। तो हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट जेड हो जाएगा √2 sys π/4 के, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सारे इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। अब आपको कोई भी चीज़ यहाँ दे सकते हैं, वो 2 + 2 iota दे सकते हैं, 2 + iota दे सकते हैं, ये जो भी चीज़ होगी वो हमारा x हो जाएगा रेल पार्ट वाला, आयोटा के साथ y हो जाएगा, ये रेल पार्ट, ये आयोटा। तो आर्गूमेंट जब भी निकालना होगा बच्चों, तो वो इस तरह से निकालते हैं।